जूता मेरा पैर में है वो हाथ में न आ जाए, नहीं तो वो जूता मुंह पर मारूंगा संगियों के। मंदिर किसी के बाप की बपौती नहीं है, मंदिर मस्जिद सबका है, वो आस्था का केंद्र है, वो राजनीति का केंद्र नहीं है। वो मोदी तय करेंगे कि कौन मंदिर जाएगा और नहीं जाएगा। जब तुम मनुष्य होकर तुम्हारे में गैरत नहीं है, प्रधानमंत्री के इशारे पर चुनाव आयोग नहीं नाच रहा है, जब तुम इंसान होकर मोदी तुमको हैंक कर सकता है, तुम उसी के इशारे पर नाच रहे हो, तो ईवीएम की क्या औकात है? वो तो एक मशीन है। भाजपा एकदम डर चुकी है। दूसरी तरफ ईवीएम के खिलाफ अब आम जनमानस आवाज उठाने लगा है, यह भी कहीं न कहीं भाजपा को बहुत डरा रहा है, चुनाव आयोग को डरा रहा है कि अगर आम जनता सड़क पे उतर गई तो फिर हम क्या करेंगे। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा सफल करने के बाद एक दूसरी यात्रा पे निकल गए हैं जिसको नाम दिया गया है न्याय यात्रा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो में चीजें साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि न्याय यात्रा नहीं अन्याय यात्रा के नारे लगाए जा रहे हैं वहां पर। आपको वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो में तमाम चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद जो असम में हुआ उनके साथ कि एक मंदिर में जाने से राहुल गांधी को रोक दिया गया और उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा गुनाह क्या है जो मेरे को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शशि उपाध्याय। सर क्या कहेंगे, मतलब अब क्या राहुल गांधी मंदिर भी नहीं जा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से इस देश में इस समय वर्तमान में जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, यह जो कुकृत्य कर रही है, मंदिर जाने की बात आपने कहा कि मंदिर जाने से राहुल गांधी को उन्होंने रोक दिया, क्योंकि मोदी जी ये दिखलाना देश को चाह रहे हैं कि मंदिर, हिंदू धर्म, देवी देवता सिर्फ हमारे हैं, ये दूसरे के नहीं, इनके यहाँ दूसरा नहीं जा सकता। तो मोदी जी, यह भारत है, लोकतंत्र का यह देश है, यह सनातन का देश है, जहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की का नारा दिया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की जाती है, सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है। आप अगर इस तरीके जिस तरीके से भाजपा सरकार राहुल जी को टारगेट कर रही है, अभी आसाम में 3-4 दिन का जो प्रकरण उनके साथ हुआ, इसके लिए एक चीज जान लीजिए कि भाजपा को भले लगता है कि हम राहुल जी को डिफीट कर रहे हैं, लेकिन जितना राहुल को टारगेट कर रही है, राहुल जी उतनी दुगुनी मजबूती के साथ इस देश की आवाम के हक और रसूख की लड़ाई के लिए निकल पड़े हैं। एक और चीज नजर आई थी कि वो कह रहे हैं कि भाजपा, जो भाजपा सरकार है, वो राहुल गांधी पे हमले करा रही है, क्या ये सच बात है जो चीजें नजर आई थी? इस चीज को तो आप लोगों ने देखा होगा, पूरा देश ने देखा है। यात्रा अगर आप लेके निकल रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, वो राहुल गांधी जी देश की यात्रा तिरंगा लेकर चल रहे हैं, तो उसमें क्या ऐसी जरूरत थी कि जो संघी गुंडे थे उस यात्रा में क्यों घुस गए? और जब राहुल गांधी जी को अनुमति मंदिर जाने की सरकार द्वारा पहले दी गई, फिर मंदिर क्यों नहीं जाने दिया गया? तो ये कहीं ना कहीं सरकार की गुंडागर्दी और अमित शाह और मोदी की गुंडागर्दी ये दिखलाती है कि राहुल गांधी से वो भयभीत हैं, और इस भयभीत होने के कारण अपने संघी गुंडों को भेजकर यात्रा को वो प्रभावित कराना चाहते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जितना भी राहुल गांधी को ये टारगेट करेंगे, राहुल गांधी जी उतनी दुगुनी मजबूती के साथ उस यात्रा को लेकर और जैसा कि आज आपने देखा है कि आज लाखों की तादाद में इस देश की आवाम ने, बंगाल के लोगों ने राहुल गांधी को बंगाल में इनका स्वागत किया है। तो ये मोदी जोगी इस चीज को या अमित शाह देखें। और जहां तक रह गई धर्म की बात कि मंदिर कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता, मंदिर किसी के बाप की बपौती नहीं है, मंदिर मस्जिद सबका है, वो आस्था का केंद्र है, वो राजनीति का केंद्र नहीं है। वो मोदी तय करेंगे कि कौन मंदिर जाएगा और नहीं जाएगा, कौन मस्जिद जाएगा या नहीं जाएगा। जिसकी जहां पर आस्था होगी, इस देश की खूबसूरती भी यही है। इस देश, चूंकि यह देश एक गुलदस्ता का देश है जिसमें सारे फूलों की अपनी अपनी कीमत है, सारे धर्मों की अपनी अपनी कीमत है, हर जातियों की अपनी अपनी कीमत है, और सभी लोग अपनी स्वतंत्रता से अपनी आस्था के साथ वो रह सकते हैं,
अपने देवी देवताओं को पूछ सकते हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि पुजारी जी बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है जो रात भर चलेगा, यही कारण बताया जा रहा है कि उनको नहीं जाने दिया। हमको एक चीज बताइए, जिस समय प्रशासन ने अनुमति दिया तो क्या ये चीजें प्रशासन ने पुजारी जी से संज्ञान में नहीं लिया? प्रशासन अगर किसी चीज की अनुमति देती है तो उसके पहले वो सारी चीजों का छानबीन कर लेती है कि हम परफेक्ट हैं, तब अनुमति देती है। तो हमको अनुमति जब दी गई तो उसके पहले प्रशासन ने पुजारी से बात नहीं किया, और पुजारी तो बेचारा क्या करे, वो प्रशासन के दबाव में बयान दे दिया कि जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से ये चुकी भाजपा इतनी डर चुकी है, चूंकि वो जान चुकी है कि 2024 में जिस तरह से इंडिया अलायंस राहुल गांधी ने तैयार किया है कि इंडिया अलायंस सुपड़ा साफ बीजेपी का हो जाएगा, और दूसरी तरफ जिस तरीके से ईवीएम के खिलाफ आम जनता आवाज उठा रही है, दोनों चीजें देखिए, एक तो इंडिया अलायंस से भाजपा एकदम डर चुकी है, दूसरी तरफ ईवीएम के खिलाफ अब आम जनमानस आवाज उठाने लगा है, तो यह भी कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत डरा रहा है, चुनाव आयोग को डरा रहा है कि अगर आम जनता सड़क पर उतर गई तो फिर हम क्या करेंगे। चुनाव आयोग तो खुद कह रहे हैं कि ईवीएम है, खो ही नहीं सकते जगह जगह। हाँ। चुनाव आयोग कोई ब्रह्मा है? ब्रह्मा है? जब तुम इंसान होकर मोदी तुमको हैंग कर सकता है, तुम उसी के इशारे पर नाच रहे हो, एक प्रधानमंत्री के इशारे पर चुनाव आयोग नहीं नाच रहा है, तुम हैंग खुद हो, वो तो एक मशीन है। जब तुम मनुष्य होकर तुम्हारे में गैरत नहीं है, जिस पद पर बैठे हो उस पद की मर्यादा को जब तुम नहीं निभा पा रहे हो, तुम हैंक हो जा रहे हो, प्रधानमंत्री तुमको हैंक कर ले रहा है, तो ईवीएम की क्या औकात है? ईवीएम को तो मनुष्य इंसान ने बनाया है, वो तो एक मशीन है। अगर कांग्रेस सरकार को इतनी ही तकलीफ है ईवीएम से, तो वो न्याय यात्रा की जगह प्रदर्शन क्यों नहीं करते ईवीएम के खिलाफ की बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए? एक चीज आप जान लीजिए, राजनीतिक दलों का हर काम जो है न्याय संगत होना चाहिए, और राजनीति क्यों की जाती है? जनता के हित की लड़ाई लड़ने की, जनता के लिए राजनीति करता की जाती है। अगर कांग्रेस ईवीएम की बात उठाएगी लेकिन आम जनमानस को विश्वास में लेकर, और वह चीज अब आम जनमानस कहने लगी है कि ईवीएम चूंकि मैं वोट देता हूं दूसरे को, मध्य प्रदेश में जो हार हुई है वो हार वहां की जनता को पची नहीं रही है, छत्तीसगढ़ की हार नहीं पच रही है, छत्तीसगढ़ की जनता तो सदमे में है कि हमने किसको वोट दिया और वहां सरकार किसकी बन गई। मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है जनता को, तभी तो जीत रही है। मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है, वो चूंकि 10 बरस इस देश की जनता को उन्होंने झूठ बोला है, जनता के साथ फरेब किया है, जनता को बेवकूफ बनाया है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। अब वो उनको लगा है कि 24 में चुनाव होने वाला है, काम तो कुछ किया नहीं, जनता अब काम का हिसाब पूछ रही है, रोजगार को पूछ रही है, नौकरी को पूछ रही है, तो अब क्या करें? तो उन्होंने अपना वो उसमें भी हजारों करोड़ रुपए खर्च करके घोटाला करेंगे लगवा कर। तो वही है ना कि राम मंदिर बन गया, थोड़ा सा चीजें तकलीफें झेलनी पड़ेगी ना जब राम मंदिर बना है तो। राम मंदिर, फिर मैं वही बात आपको दोहरा रहा हूँ कि राम मंदिर आस्था का विषय है, रोजगार का विषय नहीं है। उससे रोजगार, अगर आज रोजगार का विषय होता तो आज आप इसराइल में यहाँ के मजदूर क्यों जा रहे हैं विवश होकर, क्यों सरकार भेज रही है? तुम्हारे पास काम अगर होता यहाँ, मजदूरों को देने के लिए काम नहीं है तो पढ़े लिखे लोगों को काम क्या तुम दोगे? अरे संघियों, इस देश को बिगाड़ो मत, इस देश को बनाने में कांग्रेस ने शहादत दिया है। नौकरी योग्य थे उनको नौकरी दी है मोदी सरकार ने। किसको नौकरी दिया है? किसको नौकरी दिया है? 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी है, जगह जगह आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख जाएगा। अब जाने दीजिए, शब्द नहीं बिगाड़ना चाह रहा हूँ, जूता मेरा पैर में है, वो हाथ में न आ जाए, नहीं तो मुंह वो जूता मुंह पर मारूंगा संघियों के। पहले तो अपने वो उन चीजों को याद करें जिन चीजों को उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार पर साल हर साल दिया जाएगा। आज तुम बोर्ड लगा रहे हो कि 1 लाख रोजगार। आज इस देश का मजदूर विवश है,
और पढ़े लिखे नौजवानों के पास लिए तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, और वो भी कहाँ जाने के लिए विवश है, इजराइल, जहाँ मौत का कुआं उसको एक तरह से कहा जाए, जहाँ चारों तरफ से गोलीबारी हो रही है, कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए, और वहाँ पर भारतीय मजदूरों को तुम भेज रहे हो। अरे बेशर्मो, शर्म हो तो अभी भी चेतो और भारत के इस गुलदस्ते को बिगाड़ो मत, अपनी राजनीति की चक्कर में इस देश का नुकसान मत करो, इस देश को बचाओ, पहले ये देश रहेगा तब राजनीति रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो रोजगार के दावेवादे, 2 करोड़ रोजगार के दावेवादे कर रही थी मोदी सरकार, अब वो दावेवादे पूरे करने के चक्कर में वो इजराइल भेज रही है हमारे देश के मजदूरों को कि वहाँ जाके काम करें, जहाँ इजराइल के नागरिक खुद सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं यहाँ पे बमबारी हो रही है, खुद वो नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो जंग है वो रुकनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे ही नागरिकों और मजदूरों को वहाँ पर भेज रहे हैं काम करने के लिए। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की चीजें हैं जो प्रधानमंत्री करता है कि हमारे ही देश के नागरिक, भारत देश के नागरिक खुद ही एक जोखिम में झोंक देना। तो इस पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूरजहां।